That money क्या होता है? भारत तो मिल नहीं है, पाकिस्तान में नहीं। नकली नोट। कौन बोला ये? Mainly जिस पैसा का टैक्स नहीं होता है। हाँ हाँ। क्योंकि जो भी आप पैसा जब कमाते हैं, अगर मैं कुछ काम करता है, पैसा कमाता है या फिर बिजनेस करता है, एक जैसे अभी इनकम का सैलरी है कि जो लोग साल में ये कितना है 2.5 लाख ना, साल में अगर आप लोग इससे ज्यादा रुपए कमाता है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स। अगर इससे कम देता है तो फिर कोई नहीं, जैसे मैं इससे कम देता है तो मैं टैक्स नहीं देता, ठीक। तो इससे ज्यादा देगा तो कुछ 5% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि अगर आप 3 लाख कमा रहे हैं तो 3 लाख का 5% कितना हुआ? हाँ, जितना भी हुआ है 5% 3 लाख का ना। उसके बाद फिर होता है जैसे अगर 5 लाख से ज्यादा है तो फिर आपका 10% टैक्स लगेगा। तो बेसिकली जितना आप ज्यादा पैसा आप कमाते हैं उतना ही परसेंटेज टैक्स लगता है। तो क्या फायदा है ब्लैक मनी करने का, छुपाने का, पैसा छुपाने का क्या फायदा है? कोई नहीं है फायदा, तो क्यों करता लोग फिर? टैक्स बचाने के लिए। जो आप 5% वैसे छोटा लग रहा है ना आपको, लेकिन आप 1 करोड़ का 5% सोचो कितना होगा, या फिर 1 मिलियन का 5%, कितना? 50,000 हो गया, नहीं ज्यादा हुआ, मैं भी मैथ से खराब है। हाँ, तो 50,000 या 5 लाख कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसीलिए तो ब्लैक मनी वही है जिसमें, जैसे अगर मैं बिजनेस करता है तो क्या करेगा, जैसे अगर मेरे शॉप में रोज 10 लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, मैं बिल बस 5 लोगों का बनाएगा, क्योंकि जो बाकी जो 5 लोग हो रहे हैं उसका क्या है, उसका जो जो सेल हो रहा है उसमें मैं टैक्स नहीं देगा, है ना। तो क्या है वो? ब्लैक मनी। वैसे अगर मैं इनकम, अगर जो गवर्नमेंट के साथ जो काम करता है उनको नहीं बचा सकता, उनका डायरेक्ट गवर्नमेंट पहले ही पैसा ले लेता है टैक्स में, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहा है तो प्राइवेट कंपनी में भी वो हो सकता है कि वो लोग मेरे को बैंक की जगह सीधा कैश में देगा, है ना, क्योंकि उससे ये सब टैक्स आप बचा सकते हैं। तो मेन ब्लैक मनी वही है। ठीक, एक आपसे, हाँ मैं जानने से पहले ये बात करना ना, इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स होता क्या है ना, बहुत सिंपल शब्दों में बेसिकली इकोनॉमिक्स में क्या है, बोलते हैं कि पैसे का स्टडी, मनी का स्टडी, है ना। तो लेकिन मनी से ज्यादा वो है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का देश में या कोई भी देश ही नहीं, गांव में या आपके घर में गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बनता है, यानी प्रोडक्शन कैसा इधर उधर जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्ट, और उसको कंजम्पशन यानी उसको कैसे लोग खरीदता या खाता है, खाने का चीज है या सर्विस है, किस तरह से कितना पैसा देता है। तो इकोनॉमिक्स एक तरह से इट्स नॉट द स्टडी ऑफ मनी, इट्स द स्टडी ऑफ हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड, कैसे चीजें बनता है, कैसे मार्केट होता है, इधर उधर जाता है और कैसे उसको लोग खरीदता है। मनी बस क्या है, माध्यम है इस चीज का, है ना। तो इसलिए हम इकोनॉमिक्स में मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो माध्यम है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने का, ठीक। तो इकोनॉमिक्स में एक बहुत जो सबसे बेसिक रूल जिस पे इकोनॉमिक्स बना है कि वांट्स आर अनलिमिटेड एंड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड, माने रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकता है, टाइम हो सकता है, स्ट्रेंथ हो सकता है ना। यानी मैं दिन में मैं चाहता हूँ कि मैं 20 क्लास ले लूँ आप लोगों के साथ, यानी सबके साथ, आप लोग तो फिर बोल रहे हैं, यानी मैं हर क्लास के साथ चाहता हूँ दिन में मैं 20 क्लास ले लूँ, लेकिन ले पाएगा क्या? नहीं ना, इच्छा तो है बहुत, लेकिन रिसोर्स में क्या, टाइम नहीं है और एनर्जी भी नहीं है, थक जाएगा मैं खुद, है ना। वैसे ही आपको चीजें खरीदना है, 100 रुपए है, वॉन्ट्स में तो बहुत कुछ है, मिक्सर भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी बहुत कुछ चाहिए, है ना, पेप्सी चाहिए, खाने का चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज पैसा नहीं है ना।
तो बेसिक इकोनॉमिक्स पे यही है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जितना भी आपके पास पैसा है उसको बेस्ट कैसे यूज कर सकता है वो इकोनॉमिक्स का उसी पे पड़ता है। इकोनॉमिक्स की जितना आपके पास पैसा है, चाहे 100 रुपए है चाहे 1 करोड़ है, उसका बेस्ट यूज आप कैसे कर सकता है ना। तो अगर कंपनी चला रहे हैं तो अगर आप कंपनी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा, सबसे ज्यादा लाभ कैसे है, वो इकोनॉमिक्स है। अगर आप घर का बजट कर रहे हैं, जैसे आप अपना बजट देख रहे हैं कि इस महीने में 500 रुपए मिलता है तो उसका क्या क्या करेगा, महीने में कितना, 30 डेज होता है। अब 30 डेज में आपको 500 रुपए चलाना है तो पहला दिन तो नहीं खत्म कर देगा ना, कि पहले दिन में जाके क्या है, शूज ले लिया या शर्ट ले लिया, सब पैसा खत्म। क्या करता है आप लोग, कैसे पैसे कैसे खर्च, सोप ये सब, हाँ जरूरी जरूरी चीजें खरीदेगा पहले तो, सोप खरीदेगा, पेन, नोटबुक, हाँ। उसके बाद अब थोड़ा पैसा बच गया, फिर क्या करेगा, थोड़ा वहाँ पे उसके बाद थोड़ा और पैसा बच गया, उसका क्या करेगा, सेव कर सकता है, हो सकता है अगले वीक, यानी अगर हर महीना तुम मान लो 100 रुपीज सेव करता है तो साल में कितना हो जाएगा, कितना पैसा या रिसोर्सेज है और उसको किस किस चीज में खर्च करेगा, ठीक है, ये बजट होता है। तो जैसे आप लोगों का बजट हम डिस्कस किया कैसा होता है, वैसे ही स्कूल का बजट है ना, स्कूल का बजट में क्या क्या खरीदता है, जैसे सबसे पहले फिर से बेसिक चीजें खरीदेगा, पहले वेजिटेबल्स, फूड, राइस, हाँ, उसके बाद क्या, ऑयल, ये सब है ना। उसके बाद धीरे धीरे प्लान कर सकते हैं, जैसे अभी आप लोग ट्रिप में जा रहे हैं तो ये सब धीरे धीरे कर सकता है ना। हो सकता है स्कूल भी सेविंग करके बोलेगा कि अब अगले साल हम और नया कंप्यूटर लेगा, तो वो भी बजट, वैसे ही देश का बजट होता है। सरकार जितना भी टैक्स ले रही है, ये सब ले रही है, वो डिसाइड करे किस तरह से स्पेंड करेगा, आर्मी को कितना पैसा देगा, एजुकेशन में कितना पैसा जाएगा, रोड बनाने में कितना पैसा है, वो सब बजट। तो सब क्या आ जाता है वापस इसी रूल पे, क्या है यानी बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ काम कर सकता है लेकिन रिसोर्सेज कम है। तो और हर जगह तो वही डिमांड एंड सप्लाई का बात किया था, एक है ना, डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, दूसरा इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल रूल डिमांड एंड सप्लाई का आता है। डिमांड यानी जैसे अगर इस स्कूल से वो एग्जांपल देता है, शिलू का दुकान और इस स्कूल का बच्चा, ठीक है, एक दिन में 100 पैकेट मिक्सचर रोज खरीदता है वहां से, तो क्या हुआ है, वो डिमांड हुआ या सप्लाई हुआ, 100 बच्चा रोज जाके या फिर जो भी बच्चा जाके 100 पैकेट मिक्सचर खरीदता है उससे, तो यानी चाहिए ना बच्चों को, तो वो डिमांड हो गया। और सप्लाई क्या हुआ, सप्लाई कितना, अगर डिमांड 100 पैकेट है तो सप्लाई कितना हो सकता है, जरूरी 100 ही होगा, नहीं हो सकता है ना, वो 150 लाता हो, 50 बच जाता है या फिर कम लाता हो, डिमांड 100 है लेकिन रोज वो बस 50 पैकेट लाता है, तो क्या हो जाएगा, 50 लोगों को मिक्सर नहीं मिलेगा, है ना, ठीक। तो ये डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई क्या डिसाइड करता है, प्राइस। तो इस एग्जांपल में जैसे अगर डिमांड रोज 100 पैकेट्स का है और सप्लाई बस 50 है, तो क्या होगा, प्राइस आपको होगा क्या, क्या होगा प्राइस, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, क्यों होगा ज्यादा, कम होगा, क्यों होगा कम, ज्यादा चाहिए, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, हेलो, है ना, 100 पैकेट चाहिए लेकिन बस 50 है, तो प्राइस को क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि सोचो ना अभी मिक्सचर भी, हाँ 10 लोग है, तुम 100 छोड़ो, 10 लोग है, 10 लोगों को 10 पैकेट मिक्सचर चाहिए लेकिन दुकान में बस 5 है, तो अब क्या होगा, एक बोलेगा अच्छा ठीक है, हाँ MRP अगर 10 रुपए है तो एक बोलेगा नहीं मैं 12 रुपए देगा तुम मुझे दो, दूसरा वाला बोलेगा नहीं मैं 13 रुपीज देगा, है ना, या फिर शीलू खुद ही देख के बोलेगा अच्छा ज्यादा लोग चाहते हैं लेकिन कम है तो इसका प्राइस 1 रुपए बढ़ा देता है,
वैसे ही अगर लोग मिक्सर खाना बंद करता कर दे, दिन में बस 5 लोग आके खरीदता है मिक्सर, लेकिन शिव अभी भी 50 पैकेट्स ला रहा है, तो क्या होगा? पहले तो वो सप्लाई कम कर देगा, है ना? लेकिन अगर सप्लाई वो कम नहीं कर सकता है, रोज उसको उसने यानी एक कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है मिक्सर वाले के साथ कि रोज 50 पैकेट वो लाएगा ही लाएगा एक साल के लिए, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे प्राइस कम हो जाएगा, हो सकता है 2 रुपए में बेचने लग गया हुआ, है ना? तो यही इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है। ये हर चीज में, अभी हम लोग छोटा एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल जो व्यापार होता है उसमें भी यही चीज है। अगर एक देश को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी अच्छा एक हम व्यापार क्यों करता है, ट्रेड क्यों करता है? आप अगर एक दूसरे से कुछ ट्रेड करना है क्यों करेगा? प्रॉफिट। आप दूसरे एक दूसरे से प्रॉफिट का थोड़ी बात करेगा, अभी किसके लिए ट्रेड करें? जैसे व्यापार क्यों करता है, बेसिक बिजनेस क्यों करता है लोग? प्रॉफिट कमाना ठीक है, लेकिन बेसिकली क्यों करता है बिजनेस? शुरुआत में व्यापार क्यों शुरू हुआ है? हाँ, जैसे मेरे पास जो चीज है, मेरे पास कुछ चीज नहीं है, जैसे मेरे पास पेन नहीं है लेकिन उसके पास पेन है, तो मैं उसको कुछ दे सकता है, पैसा या फिर चौक दे के बोलेगा पेन दो, है ना? तो यही चीज इंटरनेशनल मार्केट में भी चलता है। जैसे इंडिया में मान लो, इंडिया में कोयला बहुत है, कोल बहुत है ना, कोल बहुत सारा है, तो अब जैसे कोई देश होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मान लो ऑस्ट्रेलिया में कोल बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा गोल्ड है, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्या करेगा? ट्रेड करेगा, व्यापार। इंडिया से कोल क्या होगा? एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट क्या करेगा? गोल्ड, है ना? तो व्यापार बेसिकली वही हो रहा, जो चीज मेरे पास है उसके बदले में आपसे कुछ चीज जो मेरे पास नहीं वो लेगा, है ना? तो यही इंटरनेशनल मार्केट में भी चलता है, उसमें भी दाम ऐसे डिसाइड होता है कि अगर अब मान लो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में एकदम से अगर 100 कोल फैक्ट्रीज है तो 90 फैक्ट्रीज बंद हो जाता है, तो क्या होगा उसका मतलब? सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई का क्या होगा? डिमांड क्यों बढ़ेगा? डिमांड लोग थोड़ी ज्यादा पैदा हुआ है। सप्लाई का क्या होगा? अगर 100 फैक्ट्रिया था कोल बना रहा था, बस 10 फैक्ट्री बचा है, तो सप्लाई का क्या होगा? डिमांड को भी भूल जाओ, सप्लाई का क्या होगा? कम हो जाएगा ना, पहले 100 फैक्ट्रीज बना रहा था, बस 10 फैक्ट्री बना रहा है, तो सप्लाई कम हो जाएगा, और सप्लाई कम होने से क्या होगा? डिमांड तो उतना ही है ना, तो प्राइस बढ़ेगा, है ना? वैसे अगर इंडिया में एकदम से मान लो कि जम्मू कश्मीर में एक नीचे खोद के लोग देख लिया कि अब वहां पे खूब सारा कोल बनने लग गया है, बहुत सारा कोल छुपा हुआ था जमीन के अंदर, एकदम से नया मिल गया है, तो उससे क्या होगा? नया कोल आ गया मार्केट में, क्या होगा उससे? सप्लाई और डिमांड का क्या होगा? डिमांड तो अभी है ही नहीं, डिमांड का हम बात ही नहीं कर रहे। डिमांड कहाँ से आता है? डिमांड आप लोगों से आता है जो खरीदता है, अभी बस सप्लाई का बात हो रहा है ना। सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा कोल है, डिमांड उतना ही है, ज्यादा कम लोग तो नहीं पैदा हुआ ना कोल यूज करने वाला, डिमांड उतना है, और सप्लाई अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगा ना, बहुत बेसिक ये आइडिया है। तो ये हर लेवल पे यूज होता है, आप एक दूसरे छोटा दुकान से लेकर इंटरनेशनल जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलता है, ठीक है, ज्यादातर। उसके अलावा थोड़ा पॉलिटिक्स ये सब होता है, वो आप लोग वो इधर भी नहीं है, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे होता है, ठीक। उसी पे फिर अब इंटरनेशनल मार्केट का ही थोड़ा और बात करते हैं थोड़ी देर। अभी कल को अभी जैसे शिलू का दुकान है, ठीक है, अब कल को क्या हो जाता है, एकदम से कल तो नहीं होता, 10 इयर्स में कोनीसी बहुत बड़ा शहर बन गया, ठीक है, तो आसपास का जगह भी बड़ा होने लग गया। अब यहाँ पे धीरे धीरे काम किया भी एक टाउन बन गया, बड़ा सिटी बन गया है, तो क्या होगा? और क्या होगा फिर? अगर नया बड़ा शहर बनने लग गया तो क्या होगा फिर? यहाँ पे और दुकानें आएगा, है ना? तो अभी बस एक शिरू का दुकान है, और भी शॉप्स बनेगा, है ना? उससे आप लोगों को क्या फायदा होगा, अच्छा होगा, क्या होगा?
सप्लाई ज्यादा हो गया एक तो ठीक है, और क्या होगा सब कुछ चीजें मिलेगा यानी चॉइस है ज्यादा, है ना। अभी जैसे अगर मिक्सचर का एक ही कंपनी मिलता है तो हो सकता है उसके बाद आपको हर कंपनी मिल जाए ना। अभी जैसे क्या बोलते हैं ये बहुत कम चीजें रखता है, उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है आइसक्रीम रखने लग जाए, ये सब है ना अलग अलग दुकान। तो सप्लाई और चॉइस, और उससे क्या होगा प्राइस भी ज्यादा नहीं बढ़ सकता है ना। अभी जैसे क्या शीलू डिसाइड कर सकता है कि कल से मैं मिक्सर का 15 रुपए लेगा, जाओ खरीदना है तो खरीदो नहीं तो मत खरीदो, है ना। अभी पास में और कोई शॉप नहीं है तो आप लोगों को लेना पड़ेगा। अभी अब ऐसे में क्या होगा कोई भी एक दूसरे से कॉम्पिटिशन में है ना, अगर ये ज्यादा प्राइस बढ़ा देगा तो नहीं इसको कम करने का सोचते लोग अपने आप इसके पास आएगा, है ना। ऐसे ही अब कल को काम किया उसके बाद अब 50 ईयर्स बाद काम किया और बड़ा शहर बन गया, ठीक है, और इंटरनेशनल मार्केट आ गया, इंटरनेशनल कंपनीज आ गया बड़ा बड़ा, ठीक। उससे क्या होगा फिर क्या होगा इन शॉप्स का क्या होगा, शॉप हो जाएगा। क्यों सही बोल रहे हैं लेकिन क्यों क्यों बंद होगा, ये कम दाम में बेच पाएगा क्यों। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एकदम सही, ये कम दाम में बड़ा कंपनी इंटरनेशनल कंपनी कम दाम में बेचेगा क्यों, ज्यादा सप्लाई है ना एकदम। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल इसको बोलते हैं एक, ये बहुत जो आपको बहुत सिंपल चीज है आप ऑलरेडी हम लोगों को पता है ये चीज, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी इसका नाम है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसका बेसिक मतलब ये है कि अब अगर देखो मैं कल से डिसाइड करता है कि मेरे को पेन बनाना है, ठीक है, मैं बस एक पेन बनाता हूँ तो हो सकता है इसमें मेरे को काफी पैसा लगेगा। पहले मैं बरमपुर जाएगा, है ना, वहां से प्लास्टिक खरीदेगा, इंक खरीदेगा, रिफिल खरीदेगा, उसके बाद मशीन काटने का खरीदेगा, ये सब करेगा, तो हो सकता है एक पेन बनाने के लिए मुझे 1000 रुपीज लग जाए, है ना, मशीन भी चाहिए ये सब भी चाहिए। अब लेकिन मैंने बोला नहीं मैं छोटा सा फैक्ट्री बना देता हूँ 100 पेन बनाएगा। अब उसमें क्या है मशीन मैंने एक टाइम खरीद लिया है ना, और क्या प्लास्टिक भी सब एक ही बारी में खरीद लिया तो सस्ता पड़ेगा, तो उसके बाद हो सकता है मेरा अगर 100 पेन बना रहा हूँ तो हर पेन का कॉस्ट प्राइस ज्यादा है ना, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, पेन बनाने में कितना पैसा लग रहा है और प्राइस क्या हो पेन कितना में बेचेगा। अब पेन अगर मान लो मैं अब ये पेन मेरे को जब एक ही पेन बनाया था तो 1000 रुपीज लगा है, अब 1000 रुपीज में कोई पैसे तुम पेन खरीदेगा ये नहीं खरीदेगा ना, तो क्या ये बिजनेस फेल है ना, फेल। अब 100 पेन बना रहा है उसमें थोड़ा सस्ता पड़ेगा क्योंकि मशीन एक ही बार खरीद लिया, एक ही मशीन से बनाएगा ना, 100 पेन बनाने के लिए 100 मशीन तो नहीं लेगा, तो अब हर पेन 100 रुपीज में आ रही है, 100 रुपीज का मेरे को कॉस्ट पड़ रहा है। अब 100 रुपीज में अगर कॉस्ट पड़ रहा है तो प्राइस कम से कम 110 तो रखेगा, है ना, प्रॉफिट के लिए, या 101 रखेगा। 101 रुपीज में खरीदेगा ये पेन नहीं, क्यों नहीं खरीदेगा, आप कल को और बड़ा कंपनी में एक दो वर्कर भी रख लेता है साथ, ठीक है, कि बोलता है कि हाँ एक दो लोगों को काम करने का रखता है और बोलता है अब मैं 1000 पेन बनाऊंगा, ठीक है, तो अब क्या है मशीन वही है, ज्यादा काम लग रहा है, लोग भी मैंने टाइम लगाने के लिए हायर कर लिया है, तो अब हो सकता है कॉस्ट हर पेन का कॉस्ट मुझे 10 रुपए आ रहा है ना, और प्राइस और कॉस्ट में ये सब भी होता है ट्रांसपोर्ट, ये पेन यहाँ से बरमपुर ले जाना है मार्केट में वो भी कॉस्ट में आता है। अब हर चीज मिला के हर पेन का कॉस्ट 10 रुपीज आ रहा है और मैं पेन प्राइस मैंने बोला 12 रुपए में बेच रहा है, 12 रुपए में खरीदेगा पेन नहीं, 12 में नहीं खरीदेगा, खरीद सकता है अगर थोड़ा अच्छा पेन होता नया एकदम अच्छा सा ब्राइट कलर का, है ना, तो खरीद सकता है। तो यही इकोनॉमी का स्केल है, ठीक है, जो छोटा कंपनी छोटा इंडिया का जो गांव का सोचो गांव का जो मिक्सचर ये सब है कोई बड़ा कंपनी नहीं बना रहा है, छोटा छोटा कंपनी बना रहा है, तो वो लोग को ज्यादा पैसा लगता है वो बनाने में। वहीं पे एक जो बड़ा जो इंटरनेशनल कंपनी आएगा जो कि दिन में करोड़ों मिक्सचर का पैकेट बनाता है उसके लिए शायद एक मिक्सचर बनाने पैकेट बनाने का कॉस्ट 2 पैसा आ रहा है, रुपये भी नहीं यानी 50 पैसा आ रहा है, तो
वही मिक्सचर वो 10 रुपए की जगह आराम से 5 रुपीज में बेच सकता है। अब यहाँ पे 10 रुपए का मिक्सचर है, वहां पे 5 रुपीज का है, ये तो 5 रुपीज में नहीं बेच सकता है ना, इसको लॉस हो जाएगा। आप लोग किससे खरीदेगा? 5 रुपीज से। शिवम से नहीं खरीदेगा, लोकल जो है आप लोग का साथी जो दोस्त है ना, सारे साथ है, नहीं 5 रुपीज वाले से खरीदेगा। तो बस वही चीज है ना, तो इसलिए ये सब बंद हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में यही हो रहा है। आप लोग शायद ये WTO ये सब सुना है, यूनाइटेड नेशन से सुना है ना, है ना, तो उसी का एक ऐसे ही एक इंटरनेशनल संस्था है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वैसे ही यूनाइटेड नेशन है। तो ये सब कम संस्थाएं क्या है, जितना भी देश है, ज्यादातर जो देश है वो सब उसका मेंबर है। तो वहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि व्यापार कैसे होगा, किस कानून से होगा, कैसे होगा। अगर कुछ दो देशों के बीच में कुछ लड़ाई हो जाता है कि एक बोलता है कि नहीं तुम ज्यादा पैसा ले रहे हो, या फिर तुमने प्रोडक्ट नहीं भेजा, सप्लाई कम कर दिया, उसके फिर ये लोग केस लड़ सकते हैं इन सब यूनाइटेड नेशन ये सब जगह में। तो ये लोग से अब लेकिन बात ये है कि ये सब बोलता है कि क्या होना चाहिए, फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का क्या मतलब हुआ? आजाद मार्केट। लेकिन मतलब क्या हुआ इसका? कि कोई भी सरकार कंट्रोल नहीं करेगी। अभी क्या है, जैसे कुछ कुछ अगर अभी बड़ा कंपनीज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बचा रहा है कि बोल रहे हैं नहीं, अब हमारा लोग है जो छोटा दुकान चला रहा है, ये लोग बंद हो जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा इनको, इसलिए बाहर का कंपनीज को वो अंदर आने नहीं दे रहा है ना, ताकि जो लोकल लोग लोकल बिजनेस सर्वाइव कर सके, नहीं तो वो बंद हो जाएगा, है ना। तो फ्री मार्केट का मतलब कि ये सब जो सरकार का रूल्स है वो सब हट जाए, उससे क्या होगा, कोई भी आके इंडिया में आ सकता है। और धीरे धीरे तो जैसे आप लोग को याद है, हम लॉ एंड इक्वालिटी में जो आप लोग आ रहा था, जब हम जनरल कास्ट और ट्राइब का बात कर रहे हैं, एक डायग्राम याद है वो जो किया था हम लोग, ठीक है, जो नहीं था उनके लिए एक बार दिखाता है अभी। हाँ ठीक, अभी ये तीन लोग है, यहाँ बाहर मैच हो रहा है, ठीक है, मैच हो रहा है सामने, लेकिन यहाँ पे स्टेडियम के बाहर है ये लोग, इनके पास पैसा नहीं है टिकट खरीदने का, ठीक। तो और यहाँ पे वॉल है, इतना लंबा या इतना लंबा वॉल है, ठीक है, ठीक है, इतना लंबा वॉल है। तो अब यहाँ पे क्या है, हरी को मैच दिख रहा है, ठीक, इसको नहीं दिख रहा है बिल्कुल, जरा सा बच रहा है ये कृष्णा, और विराम जी को भी नहीं दिख रहा है, ठीक। अभी अब क्या करता है, एक सबको एक एक बॉक्स दे देता है, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स इसको, एक बॉक्स इसको। हरी को बॉक्स का जरूरत नहीं है, है ना, है ना, ठीक है, बैठ जाओ आप, ये लोग समझ गए। अब यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं बाकी का चीज। ये स्टेडियम वॉल है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा है, और यहाँ पे सबसे लंबा जो लड़का है, ठीक। अब ये वॉल है, अब यहाँ से इसको पहले से मैच दिख रहा है ना, ठीक। तो अभी ये सब कैसा, सब इक्वल है ना, सब बराबर है, फ्री फ्री है, इक्वल है, ठीक। अब ठीक है, सबको एक एक बॉक्स दे रहता है, इतना बड़ा एक बॉक्स है। अब इसको एक बॉक्स मिल गया है यहाँ पे, तो लेकिन इसको अभी भी नहीं दिख रहा है ना, आप लेकिन इसको भी एक बॉक्स दे दिया है, तो अब इसको भी दिख रहा है, ठीक। और अब इसको भी एक बॉक्स दे दिया है, इसको ये और लंबा हो गया है, ये अब यहाँ से दिख रहा है। इक्वालिटी है ना, सबके पास एक एक बॉक्स है, इक्वालिटी है, लेकिन अभी भी इस आदमी को नहीं दिख रहा है। तो असली इक्वालिटी अगर इक्विटी ला रहे तो क्या करेगा, हाँ, हरी वाला बॉक्स यहाँ पे देगा, तब सही में बराबरी हो जाएगा ना, तीनों मैच देख सकता है ना। तो जो यही है, तो ये हमने क्या बोलता है, ये सरकार करती है। जैसे अगर ये जनरल अगर स्टूडेंट है जिसको शुरुआत से सुविधा मिला है, पैसा रहा है, तो इसको रिजर्वेशन का जरूरत नहीं है ना कोटा का, इसीलिए हम बात करते हैं। और जो ट्राइबल स्टूडेंट है या फिर कास्ट शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट है, वो क्योंकि हमेशा से पिछड़ा रहा है, उनको सुविधा नहीं मिला है, इसलिए सरकार उनको क्या देता है, स्टाइपेंड देता है, रिजर्वेशन देता है कि कॉलेज में सीट मिलेगा, जॉब में सीट मिलेगा, सरकारी जॉब में, है ना, ताकि असली इक्वालिटी आ सके, है ना।
तो यही सब गवर्नमेंट रूल्स है। तो इसी चीज चलते गवर्नमेंट रूल रखता है कि जैसे अब अगर ये बड़ा कंपनी है तो हम इनसे अपना लोगों को बचाना चाहता है, तो इसलिए उनको कुछ एक्स्ट्रा इनफैक्ट सब्सिडी देता है। जैसे कि पता है ना किसान लोगों को पैसा मिलता है, कुछ कुछ लोन वोन मिलता है ताकि आसानी से वो कर सके उनको बचाने के लिए। अगर बाहर का कंपनी का प्रोडक्ट आने लग जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आप WTO जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो ज्यादातर क्या है, बड़ा देश चला रहा है, बड़ा कंपनी, यहाँ पे अमेरिका है, यूरोप है, जिसमें बड़ा बड़ा कंपनीज है, तो ऑब्वियसली वो लोग अपना फायदा देखेगा ना। तो वो बोल रहा है कि फ्री मार्केट, यानी सब बराबर पे होना चाहिए, कोई रूल नहीं होना चाहिए, जितना अपना आप दे सकता है अपना देगा। बाहर का कंपनी भी जैसे वॉलमार्ट या नाइकी है, तो नाइकी भी अपना सारा इंडिया में आके बेच सकता है। तो ये जो लोकल कंपनी है जैसे श्री लेदर्स या फिर एक्शन, ये सब तो बंद हो जाएगा ना। तो इसी के चलते गवर्नमेंट रूल्स बनाता है कि जैसे या तो बोलता है कि नाइकी साल में 10,000 शूज से ज्यादा इंडिया नहीं भेज सकता है, इस तरह का कुछ कुछ रूल्स बना सकता है। ठीक, तो ये रूल्स क्या है, इसीलिए वो ताकि फ्री, हाँ ये समझ गया ना, फ्री मार्केट क्या है, जिसमें सरकार रूल से अपना देश के लोगों को थोड़ा बचाता है कॉम्पिटिशन से। फ्री मार्केट में क्या है, कोई रूल्स नहीं है, नाइकी भी बराबर है, और साथ में बतावना में अगर कोई शूज बनाने वाला है उसको भी सेम प्राइस सेम सब रहेगा ना। तो वही ऐसे फ्री मार्केट में किसका ज्यादा फायदा है, बड़ा देशों का, बड़ा कंपनी। इसीलिए ये इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा कुछ, अगर आप न्यूज पढ़ेगा कभी भी तो ये चलते रहता है विवाद कि WTO के अगेंस्ट लोग विद्रोह कर रहा है, ये सब कर रहा है, इंडिया जैसा देश, चाइना जैसा देश। ठीक है, लेकिन आप बेसिक इतना समझो कि जो भी आपस में आप लोग छोटा जो हम ट्रेड करता है, व्यापार करता है, खरीद बेच करता है, इंटरनेशनल जो बड़ा स्केल पे भी वही चीज हो रहा है। बस क्या है, हम यहाँ पे 100-200 रुपए का बात करता है, वो लोग 100 करोड़, 100 इस तरह का उसमें डील कर रहे हैं ना। अगर यहाँ पे हम 1 किलो में डील कर रहे हैं, 1 किलो प्राइस में, तो वो लोग 1000 करोड़ के किलोग्राम्स में बात कर रहे हैं ना, बस लेवल ज्यादा है ना। अरे एक ये हम सब बात कर रहे हैं, एक और इसका, हाँ ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट फ्री मार्केट, इंडिया का अभी क्या है, इंडिया भी फ्री मार्केट है क्या? नहीं, मिक्स है ना। तो ये सब क्या है, 1991 में बदला था, उससे पहले इंडिया सोशलिस्ट गवर्नमेंट था और ज्यादातर चीजें सरकार ओन करता था, बहुत कम। जैसे अगर 1991 में आप लोग पैदा हुआ था क्या कोई? नहीं ना। हाँ, तो मैं पहला होता तब, अभी आप लोग के पास इतना सारा चैनल्स है ना, तब एक ही चैनल होता था दूरदर्शन टीवी में, और इंटरनेट वगैरह नहीं था, फोन भी बस BSNL होता था, MTNL होता था बस, एयरटेल वोडाफोन ये सब नहीं था, सब कुछ रेडियो भी एक ही चैनल था, ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो मिर्ची ये सब, अब अलग अलग जो चैनल है वो सब नहीं था, है ना। क्यों? सब कुछ गवर्नमेंट चलाता था, है ना। तो अगर जो, तो गवर्नमेंट को तो अलग अलग कंपनी रखने का जरूरत नहीं है ना, उनका एक ही कंपनी रखेगा चलेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उससे अब अगर आप अपने ही देश में बाहर से ज्यादा कुछ आने नहीं दे रहे इम्पोर्ट, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे इंडिया का थोड़ा इकोनॉमी कम होने लग गया। क्यों? क्योंकि आप बाहर से जो आपको चीजें जरूरत है, अब अगर आप किसी को बाहर से अपने अंदर अपने देश में बिजनेस ढंग से नहीं करने दे रहे, बचा रहे अपने मार्केट को, तो वो लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा ना। तो धीरे धीरे इंडिया का क्या है, पावर, पैसा कम होने लग गया, बहुत लोन आ गया इंडिया में, बहुत लोन को, डेट को, डेट को क्या बोलता है, उधारी चढ़ गया है ना, और खाना वाना तो प्रॉब्लम। उसके बाद लोगों ने क्या बोला, तो वही बोलता है कि मार्केट, इंडियन इकोनॉमी जो होता है, इंडिया मार्केट, इंडियन मार्केट को खोल दिया, फ्री कर दिया, पूरा फ्री नहीं है अभी भी, मिक्स है, कुछ कुछ चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे अभी भी कुछ कुछ चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, जैसे ज्यादातर बैंक्स इंडिया में गवर्नमेंट का है, बहुत है ना, और क्या है, कोल, ऑयल, ये सब चीजें ज्यादातर, नहीं ऑयल तो यहाँ पेट्रोल पर, तो रिलायंस ये सब भी है, लेकिन अभी कुछ साल पहले तक एयरलाइंस भी बस गवर्नमेंट का होता था, एयर इंडिया होता था और इंडियन एयरलाइन, दोनों गवर्नमेंट का। उसके बाद क्या है, बहुत सारा खुल गया, स्पाइस जेट ये सब। तो बेसिक आपको ये समझना है कि 1991 के बाद इंडिया ने अपना मार्केट थोड़ा खोल दिया, ताकि
बाहर का देश भी आके इंडिया में बिजनेस कर सके, उससे इंडिया को भी फायदा हो, क्योंकि बाहर का बहुत सारा पैसा आया और हमारे पास, जैसा आप अभी बोल रहा था कि चॉइस आ गया हमारे पास, जो चीजें आप अभी खरीद सकते हैं वो पहले नहीं खरीद सकता था। अभी आपके पास नाइकी एडिडास बरमपुर में जाएगा सब कुछ मिलेगा, 1991 से पहले ये नहीं होता था, इंडियन कंपनीज ही ज्यादातर करते थे। ठीक, और लास्ट पॉइंट, लास्ट बात करेगा आज बजट पे, बजट पे। हाँ, बजट आप समझ गए, बजट क्या होता है, बजट अब अभी बात किया था, कोई भी चाहे एक आदमी का बात हो रहा हो या परिवार का बात हो रहा हो या स्कूल का बात हो रहा हो या देश का बात हो रहा हो, उसके पास कितना पैसा है और उस पैसा को किस तरह यूज करेगा, क्या क्या यूज हो सकता है, खाना, एक्सपेंसेस हो गया बेसिकली, इसमें सब कुछ आ जाता है, फूड, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट। और साथ में क्या होता है, सेविंग्स कर सकता है, पैसा बचा भी सकता है, दो ही चीज कर सकता है, या तो पैसा सेव करेगा या यूज करेगा, है ना। तो एक जैसे परिवार का बजट लेता है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता है ना, तो एक्सपेंसेस भी दो तरह से, एक फिक्स एक्सपेंस है, यानी कि वो चीज आपको हर महीने खरीदना ही खरीदना है, जैसे क्या होता है ऐसी चीजें, वुड, वेजिटेबल और राइस और सॉल्ट, ऑयल, ये सब चीजें आपको हर महीने, मसाला, ये सब चीजें आपको हर महीने खरीदना ही खरीदना है ना। उसके बाद एक फिक्स हो गया, उसके बाद दूसरा एक्सपेंसेस भी होता है जो आप ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है खरीदना, वो सब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल ड्रेस और मूवी देखना, ये सब करना कुछ कुछ है ना, या फिर कुछ एक्स्ट्रा खाना, ये सब गोल्ड खरीदना, गोल्ड खरीदना जरूरी तो नहीं है ना कि हर महीने आपको गोल्ड खरीदना है, वो आप कभी कभार पैसा बचा के खरीदते हैं। बाकी सेविंग्स वगैरह के बारे में ज्यादा आपको शर्मानी बात करें, क्योंकि वो बैंक में रही है तो आपको ज्यादा अच्छे से बता सकती है, मैं बस इतना सा आपको कर रहा था। तो वैसे ही गवर्नमेंट का बजट क्या होता है, गवर्नमेंट का बजट क्या होगा, सबसे पहले तो गवर्नमेंट के पास पैसा कितना है और उसको कैसे यूज करेगा, क्या क्या यूज कर सकता है, जैसे रोड बनाने का तुम बोला, और टीचिंग के लिए, टीचिंग एजुकेशन में स्कूल बनाने, ये सब घर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, ये सब, और आर्मी, बिल्कुल एग्जैक्टली, हां स्पोर्ट्स के लिए भी हां खर्च कर सकता है, बीसीसीआई, ये सब है ना, बहुत कुछ खर्च कर सकता है। तो गवर्नमेंट ये देखता है कि कितना पैसा, अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, टैक्स, और बस टैक्स ही आता है, और ट्रेड से आता है, ठीक है, और जितना भी गवर्नमेंट का जो पब्लिक कंपनीज है ना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट का बैंक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जितना भी लाभ हो रहा है वो एक तरह से किसका है, गवर्नमेंट का हुआ ना। तो वैसे और भी कई गवर्नमेंट कंपनीज है जो स्टील बनाती है, पेट्रोल बनाते हैं, ये सब करते हैं, तो उनका प्रॉफिट भी गवर्नमेंट के पास आ जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे कुछ एक दो साल पहले का एग्जांपल लेते हैं, तो हर बजट हर साल बनता है, ठीक है, जो फाइनेंस मंत्री होता है, वित्त मंत्री, अभी कौन है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, अरुण जेटली, तो अरुण जेटली हर साल फरवरी में बजट बनाता है, बोलते हैं कि इतना ये बजट है, ये खर्चा होगा अगले साल में। तो अभी जैसे पिछले साल का इस 2017-18 बजट में अरुण जेटली बोला है कि टोटल पैसा सरकार इतना खर्च करेगी, ₹21.47 करोड़, कितना है ये, 21 लाख करोड़ रुपीस, यानी इंडिया में
गवर्नमेंट का इतना पैसा वो बोल रही है कि खर्च करेगा, इसी में डिफेंस में भी खर्चा, जो भी आप चीजें बताए एजुकेशन सब कुछ इसी में होगा, टोटल इतना खर्चा करेगा, है ना। और उससे पिछले साल में टैक्स जो आया था 1138 यानी 1 लाख करोड़, है ना, तो ऑलमोस्ट हाफ तो टैक्स से आ गया ना। और टैक्स का मैंने बोलता कि अराउंड बस 1% लोग देता है पॉपुलेशन, है ना, इंडिया में, वो छोड़े अब बाकी का पैसा कहाँ से आ रहा है, 10 लाख करोड़ कहाँ से आ रहा है, ट्रेड ये सब कम से। लेकिन कभी कभार क्या होता है इन सब कंपनी से इतना प्रॉफिट नहीं बनता है, बस 5 लाख बन रहा है, तो बाकी एंड में जो 5 लाख जो खर्च करना है वो कहाँ से आएगा, आरबीआई कैसे करेगा, आरबीआई यानी मैंने आपको बताया नोट बस ऐसे नहीं छापता, ये शर्मानी थोड़ा और समझाएगी आपको कि नोट छापने का क्या सिस्टम होता है। बाकी 5 लाख लोग जब आपके पास पैसा नहीं होता आप क्या करता है, उधार लेता है, तो देश भी लोन लेता है, अमेरिका से लोन ले सकता है, रशिया से लोन ले सकता है, या फिर वर्ल्ड बैंक, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था ना वैसी वर्ल्ड बैंक भी एक संस्था है, पूरे दुनिया का बैंक वर्ल्ड बैंक, तो उनसे लोन लेता है और वापस करते हुए क्या है इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। तो इससे ऐसे ही देश का क्या चलता है, बजट चलता है, देश चलता है, आपका घर कैसे बजट के वजह से चलता है ना, तो ऐसे ही कंट्री हमारा इसी बजट से चलता है। लास्ट एक तो एग्जांपल देता है, इसमें से जैसे अभी डिसाइड किया है कि 3 लाख करोड़ बस डिफेंस में जाएगा, यानी कि कितना हुआ 3 लाख करोड़, इसका कितना हुआ 3/21 काफी, यानी कैलकुलेटर है। हाँ तो बेसिकली आप देख लो 21 लाख करोड़ वो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का साल का, उसमें से 3 लाख करोड़ आर्मी को जाएगा, डिफेंस में जाएगा, नेवी एयरफोर्स, कुछ 37,000 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज करेगा, कुछ 1 लाख करोड़ विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, उसी में एजुकेशन पैसा मिला है, ठीक है। इसमें एक आपको लोगों को एक और असाइनमेंट टाइप का दे रहे हैं, जैसे पिछले बार दिया था आप लोग कुछ किया था इंटरनेट, जब आप लोगों का कंप्यूटर क्लास नेक्स्ट होगा शर्वानी के साथ, आप परमिशन लेके इंटरनेट यूज करके आप देखो बजट पिछले इस साल का 2017-18 में कि एजुकेशन में कितना पैसा लगाया है, ये सब कितना है, इससे थोड़ा आपको समझ में आएगा कि कंट्री कैसे चलता है, कितना पैसा डिफेंस में जा रहा है, कितना पैसा एजुकेशन में जा रहा है, कितना पैसा हेल्थ में जा रहा है ना, आप लोगों का रोड क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पे, ये सब चीजें आप शायद उससे समझेगा बेटा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, अगर इंटरनेट आपको आता है ना बेसिक यूज करना, अभी शर्वानी स्टार्ट किया है, हाँ किया है ना, तो उनसे थोड़ा मदद लेना, रिसर्च करके देखना कि कितना पैसा सरकार कहाँ डाल रही है, वैसे ही स्कूल का बजट भी होता है ना, ठीक। अगर कोई चाहता है तो स्कूल का बजट भी डिस्कस कर सकता है, ठीक। चलो ओके, थैंक यू।